पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां 5 जनवरी को संदेश खाली जैसी घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, वहीं कुछ ही दिन पहले उत्तर दिनाजपुर और कुछ बिहार में महिलाओं को बर्बरता से पीटने की घटना के बाद अब उत्तर 24 परगना जिले से एक ताज़ा मामला सामने आया है। वहीं इस घटना की बर्बरता का वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको इस बर्बरता का वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इससे जुड़ी पूरी खबर आपको बताएंगे। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 4 लोग एक महिला को घेरकर बड़ी ही बेरहमी से पीट रहे हैं। वहीं इन्हीं दरिंदों में से एक दरिंदा टीएमसी विधायक मदन मित्रा का करीबी सहयोगी जयंत सिंह बताया जा रहा है, जो अपनी कंगारू कोर्ट में अपने गुंडों के साथ मिलकर इस लड़की को बड़ी ही बर्बरता से पीट रहा है। वहीं वीडियो में तो सिर्फ 5 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आवाज सुनकर ऐसा लगता है लगभग 50 से भी ज्यादा लोग वहां मौजूद हैं। वहीं ये सारे दरिंदे मिलकर इस लड़की को बारी बारी से बेंत से लगातार पीट रहे हैं। वहीं जैसे ही इस दर्दनाक व महिला के खिलाफ बर्बरता का वीडियो वायरल होने लगा, तो कई लोग ममता राज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर भड़क गए और साथ ही न्याय की मांग उठाने लगे, और साथ ही इस महिला को पीटने के लिए बाकी लोगों को बढ़ावा देने वाले दरिंदे जयंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठाने लगे, और साथ ही इस दरिंदे जयंत सिंह की टीएमसी विधायक मदन मित्रा व उसकी बहू मेघना मित्रा के साथ कई तस्वीरें भी लोग वायरल करने लगे। वहीं जैसे ही ये दर्दनाक व ममता राज के कानून की पोल खोलता ये भयानक व बर्बरतापूर्ण वीडियो वायरल होने लगा, तो इसके जवाब में टीएमसी प्रवक्ता रिजु दत्ता ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल से दावा किया कि यह घटना मार्च 2021 की है, और साथ ही कहा कि आरोपी जयंत सिंह को सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं भले ही टीएमसी के नेता ने दावा किया कि यह वीडियो 2021 का है, लेकिन हम ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बंगाल में महिलाओं की स्थिति कितनी भयावह है, जहां आए दिन कोई ना कोई महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वीडियो वायरल होती रहती है। जहां एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जहां साल 2021 में 1783 केस दर्ज किए थे, वहीं साल 2022 में ये केस 1890 हो गए, और साथ ही कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर 27.1 थी। वहीं आपको बताते चलें, इससे पहले भी टीएमसी के बाहुबली नेता जेसीबी का भी इसी तरह से कंगारू कोर्ट के नाम पर एक शादीशुदा महिला व एक व्यक्ति को बड़ी ही बर्बरता से पीटने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ठीक इसी प्रकार से टीएमसी का बाहुबली नेता अपने गुंडों के साथ मिलकर सरेआम सड़क किनारे महिला व पुरुष को बेंत से बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा था। वहीं पास ही खड़े सारे लोग मूक दर्शक बने थे, कोई भी महिला को बचाने आगे नहीं आया। वहीं बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को संदेश खाली मामले को लेकर फटकार लगाई है, जहां न्यायमूर्ति बीआर गवैया, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने ममता सरकार से जानना चाहा कि राज्य एक व्यक्ति को संरक्षण देने में क्यों रुचि रख रहा है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा संदेश खाली के दबंग टीएमसी नेता शाहजहां शेख व उसके करीबियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न व जमीन हड़पने के आरोप की जांच को जारी रखने का आदेश दिया है।